हेलो गाइस, आज हम आपको इस एबीसी इंस्टीट्यूट के अंदर हम पंपिंग चेक करना बता रहे हैं कि किस तरीके से हम कंप्रेसर की पंपिंग चेक करते हैं एक विंडो एसी के अंदर। ठीक है ना, आपको समझना है मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपको और कोई जगह नहीं देखना, आपको बस समझना है। ठीक है ना, तो पंपिंग, फैन का फिर कैसे करेंगे? फैन का भी 2 पॉइंट वाला होगा, उसकी भी रनिंग स्टार्टिंग इसमें जाएगी, रनिंग के साथ न्यूट्रल। बस मतलब कैपेसिटर के अंदर रनिंग स्टार्टिंग जाती है और कुछ नहीं जाता, चाहे वो डुअल रनिंग हो चाहे वो सिंगल वाला हो, भाई ये शर्त होती है। ठीक है, ये डुअल रिंग कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा, ये डुअल रिंग कैपेसिटर है जिसके अंदर ये 3 पॉइंट होते हैं, कॉमन, हार्मेटिक और फैन। ठीक है ना, हमने इस तरीके से हमने क्या करना है, पहले डिस्चार्ज लाइन पे पिन वोल्ट लगाना है और पिन वोल्ट लगाने के बाद हमने इसकी अकेले कंप्रेसर की वायरिंग करनी है। उसके बाद हमने लेनी गेज, क्या लेनी है ये गेज का नाम होता है लो प्रेशर कंपाउंड गेज। क्या नाम है? लो प्रेशर कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है किसी भी प्रेशर को? कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड मतलब होता है दो चीजें एक एक साथ होना, कंपाउंड। तो ये क्या करती है, दो चीजें एक साथ करती है, जैसे वैक्यूम करना तो भी कर लो इसी गेज से, लीकेज चेक करनी तब भी कर लो, ठीक है ना, पंपिंग करनी वो भी कर लो, और अगर गैस चार्ज करनी तो वो भी कर लो, मतलब सब काम एक ही गेज से। नाम क्या है? लो प्रेशर कंपाउंड की। ठीक है ना, ये लो प्रेशर कंपाउंड की जो होती है, इसमें ये जो सीधे वाला पोर्ट है, ये वाला, ये पोर्ट मतलब सिस्टम पे जाता है, सिस्टम मतलब एसी में जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा कोई भी काम करो ये पोर्ट हटेगा नहीं। ये पोर्ट कहाँ जाएगा? हर बारी सिस्टम में, सिस्टम मतलब एसी में। और ये पोर्ट जो हम चीज कर रहे हैं, जैसे मान लो हम लीकेज चेक कर रहे हैं, तो लीकेज चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? या तो कंप्रेसर चाहिए या ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए। ठीक है ना, इस ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का सिलेंडर चाहिए, वो हम उसके साथ लगाएंगे। अब मान लो हमने वैक्यूम करना है, तो ये तो सिस्टम पे जाएगी, ये वैक्यूम पंप पे जाएगी। अब मान लो हमने गैस चार्ज करनी है, तो ये सिस्टम पे जाएगी, ये सिलेंडर पे जाएगी। मतलब ये नहीं हटेगी, हटेगी तो ये हटेगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, बस पंपिंग चेक कर रहे हैं ना, तो पंपिंग चेक करेंगे, डिस्चार्ज में पिन वोल्ट लगाया, और पिन वोल्ट लगाने के बाद ये हमारी जो दूसरी वाली जो हमारी पोर्ट, ये इस ब्लैक वाली, इसको बोलते हैं चार्जिंग होस या चार्जिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, ये चार्जिंग होस या चार्जिंग लाइन है, इसको हमेशा इस पे लगाओ, इसके ऊपर लगा दो। और पंपिंग चेक करने के लिए ये आपके रेगुलेटर बंद होना चाहिए। ठीक है ना, जो मैं चीजें बता रहा हूँ ध्यान रखना है, ये बंद होना चाहिए, सीधे में लगानी है। अब हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को चलाएंगे, देखेंगे पंपिंग लो तो नहीं है इसकी। तो कैसे पता चलेगा आपको मैं बता देता हूँ, सुनो क्या क्या चीज़ आपको देखनी है। कंप्रेसर चलाएंगे, प्रेशर बढ़ना शुरू होगा गेज के अंदर। जब ये प्रेशर बढ़ते बढ़ते 200 पार हो जाएगा, 200 PSI पार हो जाएगा, उसके बाद हमने AC को बंद कर देना, मतलब कंप्रेसर को बंद कर देना। फिर हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, देखनी है। पहली चीज़ कि सक्शन लाइन से धुआं तो नहीं निकलता वहां से, अगर सक्शन से धुआं निकलता तो पंपिंग लो है। दूसरी चीज, जो हमने 200 से ऊपर प्रेशर डाला है, वो अगर तेजी से नीचे गिरता है तो भी पंपिंग इसकी क्या है, लो है। आपको ये दो चीजें चेक करनी है, एक यहाँ से सक्शन में धुआं तो नहीं निकलता, और एक प्रेशर लो तो नहीं होता। प्रेशर धीरे धीरे लो हो रहा है तो पंपिंग ठीक है, तेजी से हो रहा तो वो क्या है, खराब। तो चलाओ, समझ में आ रहा है सबको? अभी वहीं पे रहो, वहीं पे रहो, जब मैं बोलूंगा बंद करना तो बंद करना है। देखो प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 100, 120, 140, 160, 180, 200, बंद बंद बंद, ठीक है ना, 220 पार हो गया ना, ये 200 पार हो गया। और वहां से देखो सक्शन लाइन से धुआं निकल रहा है, हाथ हटाओ, ये हमारा सक्शन लाइन से क्या निकल रहा है, धुआं निकल, ऊपर ऊपर उंगली रख के देखो तो ये आ गया धुआं, हटना दिखाना धुआं, हाँ ये दिख रहा है, ये देखो, ये जैसे मान लो जैसे हमारा कुकर चल रहा होता है, ठीक है ना, कोई चीज बन रही होती है कुकर, वैसे ये धुआं निकल रहा है। और दूसरी बात क्या है, ये तो प्रेशर देखा हमने डाला था, ये हमने 220 डाला था, अब ये देखो हमारा डाउन कितनी जल्दी हो रहा है, 180 कितनी जल्दी डाउन हो रहा है। तो इट मीन्स क्या है कि इसका पंपिंग, कंप्रेसर की पंपिंग क्या हो चुकी है, लो हो चुकी है। इस कंडीशन में हम कंप्रेसर को रिप्लेस करते हैं, क्या करते हैं, और ये सिचुएशन जब आती है, हमारा कंप्रेसर पुराना हो जाता है, 8-10 साल पूरा हो जाता है, तब आती है ये, अदरवाइज नहीं आएगी। तो आपको ये कब चेक करना, जब आप मान लो गैस चार्ज करने जा रहे हो, उससे पहले एक बार ये चीज चेक कर लो कि कस्टमर हमें ये ना बोले कि गैस चार्ज करके चला गया लेकिन अभी भी कूलिंग है, कूलिंग को जो है वो डाउन है, ये इसलिए पहले चेक कर लेनी है। पंपिंग चेक करना, आप दिख रहा होगा यहाँ से भी थोड़ा सा हमारा स्मोकी से मतलब धुआं सा निकल रहा है। तो होप करता हूँ कि वीडियो समझ में आएगी कि किस तरीके से हम पंपिंग चेक करते हैं एक विंडो एसी के अंदर।